किसी भी लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि चुनाव के बाद अपोजिशन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है उसे रखाना पड़ रहा है, उसके बाहर 24 घंटे बैठना पड़ता है कि कोई ईवीएम मशीन में छेड़खानी ना करे, और उसके बावजूद भी एक अधिकारी जिप्सी लेके घुस जाता है ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है और उसके गाड़ी में छेनी हथौड़ी पाई जाती है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो ये विश्वास खो रही है सरकार लगातार। सरकार के ऊपर इतना भी विश्वास अब नहीं है जनता को कि जहां ईवीएम मशीन रखी है वहां पे अधिकारी जा कैसे गया, कैसे गाड़ी लेके घुसा। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग को कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिससे जनता के ऊपर में कम से कम चुनाव आयोग का विश्वास बना रहे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि चुनाव के बाद अपोजिशन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है उसे रखाना पड़ रहा है, उसके बाहर 24 घंटे बैठना पड़ता है कि कोई ईवीएम मशीन में छेड़खानी ना करे, और उसके बावजूद भी एक अधिकारी जिप्सी लेके घुस जाता है ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है और उसके गाड़ी में छेनी हथौड़ी पाई जाती है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो ये विश्वास खो रही है सरकार लगातार। सरकार के ऊपर इतना भी विश्वास अब नहीं है जनता को कि जहां ईवीएम मशीन रखी है वहां पे अधिकारी जा कैसे गया, कैसे गाड़ी लेके घुसा। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग को कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिससे जनता के ऊपर में कम से कम चुनाव आयोग का विश्वास बना रहे।